टू माई चैनल अजंजलि ब्लॉग। तो आज ये ब्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज है कुछ खास। आज क्या है मैं आपको बता दूँ, सस्पेंस रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि थंबनेल देख के और टाइटल देख के आप लोग समझ ही गए होंगे। और वैसे भी आप लोग मेरी फैमिली है तो मैं छुपाना भी नहीं चाहती हूँ। तो आज है हमारी एनिवर्सरी शादी की, तो हम लोग के आज 8 साल पूरे हो गए हैं। तो बस वही आज का दिन है, थोड़ा सा स्पेशल। और आज के पूरे दिन में हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा, सब कुछ शेयर करूंगी। ब्लॉग बहुत अच्छा आने वाला है। तो सुबह के इसमें बज रहे हैं 8 और मैं 7:30 बजे किट्टू को स्कूल भेज चुकी हूँ। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम आप लोग बैकग्राउंड देख के समझ गए हैं कि मैं कहाँ हूँ। मैं हूँ प्रयागराज में, मैं मम्मी के यहाँ से आ गई थी। और बस आज नाश्ता हो गया है, अब किट्टू मैंने स्कूल भेज दिया है, मैं खाना बनाऊंगी, उसके बाद ही चले जाएंगे ऑफिस। जो होगा शाम को होगा, बट ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग अच्छा रहने वाला है। और अगर अच्छा लगे तो लाइक करते जाएगा और न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय, तो मैं हो गई हूँ रेडी। रेडी होते टाइम मैं आपको नहीं दिखा पाई, सॉरी। जल्दी जल्दी में मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने इस तरह का एक रेड कलर का गाउन डाल लिया हुआ है। मेरी किट्टू वाइट कलर का गाउन पहनी हुई है, इनको वाइट कलर बहुत पसंद है इसलिए हमेशा वाइट वाइट पहनती हैं। और यहाँ पे मेन गेस्ट हैं, तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? हम लोग यही बोलेंगे कि हम लोग जा रहे हैं थोड़ी देर में थोड़ा अपना एनिवर्सरी, मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने। और हम बाबू और ये 2-3 लोग हम लोग जाएंगे होटल में, मनाएंगे अपना। और हेलो गाइस, तो बस अब हम लोग निकलेंगे। हम लोग भाभी को बुला लिए हैं, जो हमारी भाभी है नीलम भाभी, आप लोग जानते ही हैं, कई ब्लॉग में देखे होंगे। और नीचे वाली हमारी भाभी हैं, मतलब हमारी जो लैंडलॉर्ड हैं, उनको भी हमने बोल दिया हुआ है, तो भी चल रही हैं। सब रेडी हो गए हैं, बस नीलम भाभी का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले जाएंगे हम लोग हनुमान जी का दर्शन करेंगे। कोई भी शुभ कार्य करना हो या फिर कुछ ऐसा हो आपकी ज़िंदगी में जो बहुत अच्छा होने वाला हो, तो सबसे पहले भगवान जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि उनकी वजह से ही आज हम हैं। सबसे पहले उनका आशीर्वाद लेंगे, उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाने और सब चलेगा, सब कुछ अच्छा होने वाला है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा और अपने विशेष भी दीजिएगा हम लोग को, हम दोनों लोग को। और ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करते जाइएगा। आ चुके हैं रेस्टोरेंट में और भैया भाभी का वेट कर रहे हैं। हमारे दोनों भैया भाभी, मतलब नीचे वाले जो माई लैंडलॉर्ड है, वो भी आने वाले हैं और नीलम भाभी आने वाली, उनके हस्बैंड आने वाले हैं, तो नीलम का हम लोग वेट कर रहे हैं। और ये रेस्टोरेंट कुछ इस टाइप का है, अच्छा है। यहाँ का डेकोरेशन वगैरह मुझे अच्छा लगा, मैं इसके पहले भी यहाँ पर एक बार आ चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर ही आई। और बस अब कुछ देर में जब वो सब आ जाते हैं तो केक कटिंग शुरू होता है। क्या होता है, कैसे होता है, सब दिखाऊँगी आपको, ब्लॉग में बने रहिएगा आप लोग। और ये हमारी किट्टू हैं। किट्टू खुश हो बेटा? अरे बस कुछ देर में मैं आपसे मिलती हूँ। और यहाँ देखिए भैया मच्छरों के साथ बैडमिंटन खेल रहे हैं मतलब मार रहे हैं। और यहाँ पे देखिए भैया भाभी सब लोग आ गए हैं। और अब आगे क्या होना है, कैसे होना है, सब मैं इधर देखो लगा दे रही हूँ। आप लोग एंजॉय करिएगा, किट्टू बहुत खुश हैं, सब लोग आ जाते हैं, किट्टू को बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे भाभी देख रही हैं, किट्टू के पापा मुझको कान का दिए हुए थे तो वही देख रही हैं कैसा है। और यहाँ पे अब केक कटिंग की तैयारी हो रही है। किट्टू बहुत एक्साइटेड है, उनको बर्दाश्त ही नहीं होता, वो केक उनको बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए वो केक देख के एकदम फ्लैट हो जाती हैं।
तो यहाँ पे केक कटिंग हो चुका है और मैं बारी बारी से सबको केक खिला रही हूँ और कुछ लोगों को किट्टू के पापा खिला रहे हैं। तो बस यहाँ पे ये भैया है नीलम भाभी के हस्बैंड, आप लोग जानते ही होंगे अगर मेरा पिछला ब्लॉग देखते होंगे तो, और नहीं देखते होंगे तो मैं आपको बता दे रही हूँ। ये हैं भैया नीलम भाभी के हस्बैंड और उनका बेटा आया हुआ है जिसका नाम मिट्टू है। हमारी किट्टू हैं, कह रही है मेरे फेस पे क्यों नहीं लगाई मम्मा, वो रूट गई थी तो मैंने उनके फेस पे लगा दिया है और सब लोग खिला रहे हैं उसको भी। और बस बहुत अच्छा लगा, बहुत छोटे स्तर पे ही हम लोगों ने मनाया हुआ है एनिवर्सरी, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लगता है जब सब लोग आते हैं तो। अकेले कुछ भी अच्छा नहीं लगता है, एक दो लोग रहते हैं अपने घर के अपने दिल के करीबी लोग तो अच्छा लगता है। तो बस नॉर्मली हम लोग ने ऐसे ही मना लिया था, हम लोग घर से किसी को नहीं बुलाया था क्योंकि हम लोग बस ऐसे ही नॉर्मली ही मनाने वाले थे, बहुत अच्छे से नहीं मनाने वाले थे क्योंकि 8 साल हो चुका है हम लोग के शादी का। तो बस ऐसे ही नॉर्मली हम लोग मना लेते हैं एक दो लोग को बुला के जो हमारे जान पहचान के लोग हैं। तो यहाँ पे देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है कुछ, और किट्टू हर फोटो में आना चाह रही थी, भाई उनको ना लिया जाए तो गुस्सा हो जाती थी तो कहीं नहीं मम्मी हमको भी लिया करिए आप, तो हम लोग बस वही फ़ोटो शूट कर रहे थे। और इसके बाद ये कान का किट्टू के पापा हमको दिए हुए हैं। मेरे पास जो गले का है आप लोग देख ही सकते हैं चेन में लगा हुआ है, बस उसी का सेट बनवा दिए थे कि अपना डेली यूज़ के लिए, तो अच्छा लग रहा था। तो थैंक यू किट्टू के पापा फॉर दिस। और अब उसके बाद भैया भाभी हम लोग को गिफ्ट देते हैं जो हमारे लैंडलॉर्ड हैं, यही हमारे लैंडलॉर्ड है आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा नेचर है इन लोग का। तो बस ये भैया भाभी हैं, उसके बाद नीलम भाभी देती हैं, सब लोग गिफ्ट देते हैं। उसके बाद हम लोग बैठ के फिर आगे क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ देर हम लोग बातें करते हैं। तो यहाँ देखिए मिट्टू है नीलम भाभी का बेटा, बहुत ही अच्छा बच्चा है, बहुत ही संस्कारी बच्चा है ये। बस यहाँ पे स्टार्टर्स आया हुआ था तो बस वही हम लोग खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग का डिनर होगा। तो बस हम लोग बात भी कर रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम बाद सब लोग मिलते हैं तो अच्छा लगता है, बैठ के हम लोग बातें कर रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग वेट कर रहे हैं डिनर का, हम लोग ये लोग आप ये तो जाएगी तो और हो जाएगा ये मोबाइल रहने का, सिर्फ रहने तो। यहाँ पे बच्चों की पढ़ाई के बारे में बात किया जा रहा था, एजुकेशन के बारे में कि आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है पढ़ाई में। तो बस वही भैया भाभी बता रहे थे, इनके बच्चे बाहर रहते हैं पढ़ते हैं, तो वही बता रहे थे कि किट्टू के टाइम तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाएगी, बस यही सब बातें हो रहा था। और यहाँ पर देखिए हमारे डिनर भी आ गया है, डिनर में क्या क्या आप लोग देख सकते हैं। बस हम लोग डिनर करेंगे और उसके बाद फिर निकलेंगे। तो ये देख लीजिए दाल मखनी है, पनीर की सब्जी है और मशरूम की सब्जी है, तंदूरी रोटी है, सलाद है, चावल है, ये सब है। और उसके बाद कुछ मीठा ना हो खाने के बाद ऐसा हो ही नहीं सकता, तो हम लोग ने आइसक्रीम मंगाया हुआ था। आइसक्रीम खाने के बाद हम लोग निकलेंगे घर, और घर आने के बाद हम लोग भैया भाभी का जो गिफ्ट था उसे ओपन कर रहे हैं। किट्टू को बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मैंने कहा ठीक है ओपन कर दीजिए, तो ये गिफ्ट था, थैंक यू भैया भाभी। तो फ्रेंड ये अगली मॉर्निंग है, कल का दिन बहुत ही अच्छा भी था हम लोग का, रात में हम लोग लेट से आए थे इसलिए मैंने वीडियो नहीं कंटिन्यू किया, मैंने सोचा सुबह कर लेंगे, थक भी गए थे। तो बस ये था मेरा एनिवर्सरी ब्लॉग, नो आपको अच्छा लगा होगा, नहीं भी अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा क्या नहीं अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और न्यू है सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैं मिलती हूँ किसी अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक अंजलि सिंह को विदा दीजिए, बाय, टेक केयर।